ओम नमः शिवाय। आश्विन मास शुक्ल पक्ष रविवार द्वादशी तिथि रात्रि 9:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, साहसी, बुद्धिमान, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, अनुशासन प्रिय, आशावादी, उदार विचारधारा वाले और व्यवहार कुशल होते हैं। ऐसे जातक दूसरों से काम निकालने में चतुर, विज्ञान, तकनीकी तथा शिक्षा शास्त्रों में रुचि रखने वाले, यात्रा की मानसिकता वाले, सम्मान एवं कीर्ति पाने वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शनि देव हैं। आज भी चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र बृहस्पति का होगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और प्रबल उत्साह बना रहेगा। हर काम करने में सकारात्मक प्रेरणा और अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा। स्वभाव में गंभीरता परिलक्षित होगी, मगर कभी कभार मन में नकारात्मक विचारों का उठना और मानसिक दबाव भी संभावित है। रुके हुए काम संपन्न होंगे और आर्थिक सहयोग मन मुताबिक बना रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए पिछले दिनों की चली आ रही भ्रम की स्थिति में सुधार होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक पहल जारी रहेगी। घरेलू तनाव और अविश्वास की स्थिति में भी सुधार मिलेगा। साझेदारी के कामों में लाभ की स्थिति पैदा होगी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग मिलेगा। कार्य योजनाओं में कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे और विकास की दर तीव्र होगी। सरकारी कर्मचारियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अकस्मात लाभ के अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के सुधार और विकास के प्रति केंद्रित रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित मात्रा में मिलता रहेगा। अपने कार्य योजनाओं में आवश्यक दिशा निर्देश लाभदायक सिद्ध होगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में चली आ रही रुकावटें दूर होंगी, अधूरे काम पूरे होंगे और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। नई कार्ययोजनाओं में साझेदारी लाभदायक रहेगी और कुछ कामों के संपन्न होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। अचानक आर्थिक लाभ भी संभव है। सहयोगियों के साथ मानसिक तालमेल में कमी और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, साथ ही धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए अनावश्यक चिंता और मानसिक जटिलताओं का दौर जारी रहेगा। कुछ मामलों में अनावश्यक तनाव, खर्च और भाग दौड़ संभावित है। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा और यात्रा या प्रवास की स्थिति बनती है, मगर कार्य क्षेत्र में नए प्रस्ताव और विकास की संभावनाएं बनी रहेंगी। कुछ उद्देश्यों के प्रति मन सशंकित रहेगा, मगर अंततः सफलता मिलती जाएगी। व्यावसायिक सुधार और कार्य क्षेत्र के प्रति दक्षता बढ़ी रहेगी। विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें, सफलता मिलेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन उचित होगा। संबंधों की मधुरता कायम रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। सकारात्मक सोच ऊर्जावान बनाएगा और कार्य क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि होगी। रुके हुए काम संपन्न होंगे। नई कार्ययोजनाओं और साझेदारी के कामों के लिए समय अनुकूल रहेगा और संबंधित मामलों में प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे, मगर वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। साझेदारी के नए प्रस्ताव लाभदायक होंगे। निजी निवेश अनुकूल रहेगा, मगर मां के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहेगी और कुछ कामों में रुकावट भी संभव है। हालांकि सकारात्मक ऊर्जा साथ देगी और कुछ प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। पारिवारिक सुख शांति के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल और रचनात्मक प्रयास अपेक्षित है।
तुला राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के उतार चढ़ाव और भ्रमात्मक स्थिति में सुधार होगा। रचनात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी। कार्य योजनाओं में पैदा हो रही जटिलताओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। साथ ही नई कार्य योजनाओं के लिए अधिकारियों का सहयोग और आवश्यक दिशा निर्देश मिलता जाएगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। नए रिश्तों के साथ वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में सचेत रहें, दोषारोपण की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी और पहले की चली आ रही परेशानियां, तनाव और मानसिक जटिलताओं से राहत मिलेगी। बहुप्रतीक्षित काम होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से सफलता हासिल होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके परिश्रम का पूरा लाभ मिल सकता है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत मिलता है। सावधानी अपेक्षित है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में होने वाले प्रयासों और उसके प्रति सफलता की ओर संकेत करता है। आपके मेहनत का पूरा फल मिलता जाएगा। चंद्रमा के गुरु के नक्षत्र में होने से शासन सत्ता व अधिकारियों से सफलता की उम्मीद बनी रहेगी, मगर नई कार्य योजनाओं और साझेदारी के प्रस्तावों में सावधानी अपेक्षित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग और सफलता की उम्मीद बनती है। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के नक्षत्र की भूमिका मन मुताबिक आर्थिक लाभ के लिए संकेत करती है। साथ ही आपकी वाणी किसी को प्रभावित करने के लिए सक्षम होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। आपके कार्य क्षेत्र के कुछ अधूरे काम चले आ रहे हैं, उनके पूरे होने का समय हो चुका है। हालांकि अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता बनी हुई है। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। निजी निवेश की योजनाएं पूरी होंगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के सुधार और आर्थिक लाभ के प्रति रचनात्मक प्रयास जारी रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और संघर्ष की स्थिति में सुधार होगा। काम करने के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्साह बना रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और नई कार्य योजनाओं से संबंधित यात्रा का योग बनता है। पारिवारिक सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय सहयोगी रहेगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें। कुछ रुकी हुई विवादित योजनाएं भी संपन्न हो सकती हैं और वैवाहिक मामले फलीभूत होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए संवेदनशील रहेगा। अनचाही यात्रा और व्यय की स्थिति भी संभावित है, मगर कुछ मामलों में बृहस्पति का सहयोग आर्थिक लाभ और आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाने में मददगार होगा। विभागीय कर्मचारियों व शासन सत्ता का सहयोग भी कायम रहेगा, मगर धन संबंधी लेन देन में सावधानी बरतें और अधिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय सावधानीपूर्वक लेने चाहिए। हालांकि कार्य योजनाओं की सकारात्मक पहल जारी रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।